नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गेट रेडी फॉर जॉब के एक नए वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस के जो स्पेशल रिक्वायरमेंट आया है स्पेशल ऑफिसर के लिए उसके ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो है वाला लाल बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, तो फिर हमारे नए आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल ओपन किया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ फाइल आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है आईबीपीएस के, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस पोस्ट के पोस्ट है आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर प्रोफेशनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। तो ये जो एग्ज़ाम है वो दो फेज से होगा, एक प्रिलिमिनरी मेन, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके आपका सिलेक्शन होगा जॉब के लिए। तो नीचे आइए, यहाँ पे नीचे देखते हैं ये जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ बैंक है, इस बैंक से आप पैसा दे सकते हैं फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पे देखिए द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स एज फॉलोस। इवेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग मेडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। आपका जो फॉर्म है वो 7 नवंबर से रिलीज हुआ है, अब 27 तारीख का लास्ट डेट है। आप इन 27 तारीख को आप लास्ट डेट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है आपका सेम 7 नवंबर से 27 नवंबर का। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी दिसंबर 2017। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी भी मेंस भी, ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी 30 and 31 December 2017। रिजल्ट प्रीलिमिनरी का आएगा जनवरी 2018 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन जनवरी 2018, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन 28 जनवरी 2018, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन फरवरी 2018, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू फरवरी 2018, Conduct of interview February 2018, Provisional allotment April 2018। अब eligibility criteria पे देखिए, please note the eligibility criteria satisfied herein are the basic criteria of applying for the post। Candidate must necessarily produce the relevant documents in original and photocopy in support of their identity and eligibility। तो आपका नेशनल सिटीजनशिप इंडियन, नेपाल और भूटान से भी हो सकते हैं आप। एज चाहिए, एज जो है 1 नवंबर 2017 के अंदर आपका मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, ये जॉब के लिए। आईटी ऑफिसर के लिए मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। 4 ईयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन।
और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर का भी है, फोर ईयर डिग्री कोर्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस एक्सेट्रा यहाँ पे दिया हुआ है। राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए लॉ ऑफिसर। ए बैचलर डिग्री इन लॉ LLB एंड एनरोल्ड एज एडवोकेट विथ बार काउंसिल। HR पर्सन के लिए ग्रेजुएटेड एंड 2 ईयर्स ऑफ टाइम पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री और 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए चाहिए जो ग्रेजुएटेड एंड 2 ईयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग, 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम MBA, 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम PGBDA एक्सेट्रा दिया हुआ है यहाँ पे, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे नीचे आइए नोट दिया हुआ है यहाँ पे, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 27 नवंबर 2017। का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका रिजल्ट 27 नवंबर 2017 के पहले आना चाहिए, नहीं तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे एग्जाम के लिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर्ड बाय द रिजल्ट ऑन द बिफोर 27 नवंबर 2017 हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के टाइम वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा और फिर सबमिट करना होगा। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस विल बी सिमिलरिटी रिजेक्शन, समरली रिजेक्शन आप रिजेक्टेड, तो आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप रिजेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद जो है रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। और फिर कुछ ये है पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड 1180 to 31 1289 5 years, person affected in 1948 years 5 years। तो यहाँ पे नीचे और कुछ भी है, नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50 है, इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस विथ रेफरेंस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आपका ये सिलेबस है, तो यहाँ पे 50 50 50 करके 150 क्वेश्चंस होगा। तो यहाँ पे 25 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में 50 नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स है 125 का, ड्यूरेशन मिलेगा आपको 2 आवर्स। और फॉर द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर HR पर्सनल ऑफिसर के लिए देखिए इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो पहले वाला था लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए। अब मेन एग्जाम का यहाँ पे भाई सिलेबस दिया हुआ है, अब नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के वक्त कौन सी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है।
अब देख सकते हैं आपसे। उसके बाद नीचे यहाँ पे पर्सनल अलॉटमेंट कुछ है, बायोमेट्रिक डाटा का क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म से इन नवंबर 2017 टू 27/11/2017, मैं आपको पहले बता चुका हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है एप्लीकेशन फीस ₹100 फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट्स एंड ₹600 फॉर ऑल अदर्स। अगर आप SC ST और PW कैंडिडेट्स हो तो आपका ₹100 लगेगा, अगर जनरल हो तो आपको ₹600 देना होगा, वो ऑनलाइन पेमेंट होगा आपका। फॉर्म के साथ आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, या पेमेंट का मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आइए आप, नीचे को नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे इंडियन ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द ईयर 2018-19 पोस्ट IT ऑफिसर के लिए बैंक इलाहाबाद बैंक यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। ऐसे ही सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जामिनेशन सेंटर्स प्रिलिमिनरी एंड मेंस, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर हो, आप जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं वो सेंटर्स कौन सी जगह पे है। और नीचे फोटोग्राफ इमेज, फोटोग्राफ मस्ट बी ए रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर, आपका पिक्चर जो है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। फोटोग्राफ के 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए एंड सिग्नेचर दोनों ही होना चाहिए वो पे। और फोटोग्राफ आपका 20 KB के 50 KB के अंदर होना चाहिए। आपके फॉर्म को साथ आप फोटो अपलोड करना होगा या आपके सिग्नेचर को भी अपलोड करना होगा 10 KB से 20 KB के अंदर, और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में अलाउ नहीं है। आप जानते हैं सिग्नेचर कोई भी कैपिटल लेटर में अलाउ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्म मिलेगा आप सब, आपको नीचे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ए कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अगर आप SC ST हो तो ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यहाँ पे नीचे और कुछ भी फॉर्म दिया हुआ है और देख सकते हैं आप। तो चलिए अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। तो ये पेज में पहले से ओपन किया हो, आप IBPS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये पेज आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक है, वो लिंक से आप ये पेज ओपन कर सकते हैं। तो ये पेज ओपन करने के बाद अगर आप नए हो, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने आए हो, तो क्लिक हेयर पर रजिस्ट्रेशन के क्लिक कीजिए। और आप पहले से रजिस्ट्रेशन करे हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे के सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ये पेज आता है। यहाँ पे फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम यहाँ से फिलअप करते जाइए एंड सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, फिर आपका डिटेल्स दे के फॉर्म को फिलअप करना होगा, प्रीव्यू फॉर्म, लास्ट में पेमेंट है। तो पहला वाला ये जो पेज है इसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ID और एक पासवर्ड मिलेगा, वो आपको संभल के रखना है। तो बाद में आप जब पेज में लॉगिन करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपका आपको ज़रूरत है। बाहर यहाँ पे दिखाया मैंने, देखिए जो पेज है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे पासवर्ड दे के आप बाद में लॉगिन कर सकते हैं पेज में। और तो दोस्तों आप सबको ये जॉब के लिए गुड लक। और इस जॉब के लिए अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पे वो
क्वेरीज या क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ पे हैं। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए सब, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए गुड डे, बाय गाइस।